आरएस आपकी दवाइयां लेने गया है, मगर मुझे आरएस की समझ नहीं आ रही। उसका रवैया बहुत बदलाव है, कभी वो अच्छा हो जाता है और कभी अजनबी बन जाता है। इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स तोहफे में ला रहा है, छुप छुप के किसी से फोन पे बातें भी करता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दादी, ये आरएस करना क्या चाहता है? अरे यार, इसकी तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। इश्क वो जेबू से कर रहा है और शादी तुमसे कर ली, खाम खामे इतना रुपया पैसा खर्च कर रहा है। भाई वो तो अमीर जादी है, उसकी नकल क्यों कर रहा है? ये तो तनख्वाहदार है, अपनी हैसियत के मुताबिक खर्चा करे। आरेज जो है वो कभी शाहनवाज की तरह अमीर नहीं हो सकता, तो फिर उसका मुकाबला क्यों कर रहा है? है? अहमक कहीं का। सही कह रही हैं, लेकिन दादी आरएस मेरी कोई बात नहीं मानता। तानी वो क्या करना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो कर रहा है जो वो सबसे छुपा भी रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है ना, तू करने दे, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा सबके। हाँ कि वो क्या करता फिर रहा है। हाँ मुझे तो तेरे ससुराल वालों की समझ नहीं आ रही है। भाई कोई मुंह ही नहीं लगा रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा मुझे, तुम्हारी सास है कि वो पास आके बैठती नहीं है? अल्लाह जाने हमसे क्या कसूर हो गया। दादी आप फिक्र ना करें, हमारे भी तो मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार है, खानदान है। मैं ना सबको फोन करूंगी और आपकी खबर लेने के लिए बुलाऊंगी। इन लोगों को तो बस जीबू